हाँ जी, अगर आपको वर्ड यूज किया गया विदाउट एनी बताया कि द स्क्वायर सरकमस्क्राइब, द स्क्वायर सरकमस्क्राइब द सर्कल, अगर आगे कुछ दिया हो तो आपको पता है स्क्वायर इज सरकमस्क्राइब, तो स्क्वायर बाहर आया। हमने कल भी ये डिस्कशन की थी। बट अगर आपको कुछ नहीं आगे लिखा हुआ, आपको सिंपल दिया है द स्क्वायर मेरे पास ऑफ साइड मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, फाइंड द सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ सर्कल। अब बेटा इसमें सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की बात हो रही है ना, तो यहां पर क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा ना, तो दैट मीन्स यहां सर्कल बाहर है, स्क्वायर अंदर है। प्लीज ओके, अगर उल्टा भी होता, सर्कल पहले दिया है, सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर बाहर आएगा, बात खत्म, बस। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हो। नाउ आई विल स्टार्ट टुडे। आई थिंक अब इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं रह गई, हमने हर तरह के टाइप को डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, नाउ दैट इज कोऑर्डिनेट। मैं रिवीजन वन के चैप्टर्स पहले करा रही हूँ, आपकी रिवीजन टेस्ट वन में जो चैप्टर्स आने हैं उन्हीं की रिवीजन करवा रही हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ जी, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेटा आपको फॉर्मूलेज रटे होने चाहिए। लिसन इट वेरी केयरफुल। फॉर्मूलेज, पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, सब कुछ नोट करोगे फटाफट। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला में दो पॉइंट्स हैं, X1 Y1, X2 Y2, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। तो X2 - X1 होल स्क्वायर, Y2 - Y1 होल स्क्वायर, a b a b। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होना है, लिसन इट वेरी केयरफुली। ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होना है, आगे आ जाओ बेटे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने में, कैसे? पहला स्केलीन ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट आइसोसेलेस, टू साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल। थ्री साइड्स आर इक्वल, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। ओके, आपके पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी, मतलब आपके पास तीन वर्टेक्स दिए हैं। हमें नहीं पता किसको एच लेना है, किसको पी लेना है, किसको बी लेना, बट हमने ये देखना है कि नी दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है तो 100% वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास हो गए डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला और कहाँ यूज होना है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। हाँ जी, टाइप ऑफ, चाहत बैठ जाओ बेटा, क्वाड्रिलेटरल, हाँ जी बेटा। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में हम लोग जो है बेटा कैसे देखेंगे, यहां पर लेट अस सी। फर्स्ट फोर साइड्स इक्वल अगर आ गई, साथ में डायगोनल भी इक्वल आ गया, तो 100%
स्क्वायर होगा। फोर साइड इक्वल है बट डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। तो दैट मींस मेरे पास जो है वो क्या हो गया, रॉम्बस। अब नेक्स्ट टाइप, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, तो बेटा रेक्टेंगल भी हो सकता है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, फिर वही डायगोनल अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल, बिल्कुल डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर, हमेशा यही प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, ओके जी। और जो है तब ये मेरे पास क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। और डायगोनल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, हाँ जी, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं, वहीं से पता चल जाता है। बट हम जब भी पैरेललोग्राम की कोई फोर्थ वर्टेक्स निकालना हो ना, तो हम हमेशा मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो आगे आपको बताऊंगी। पहले सारा चैप्टर रिव्यू करवाऊंगी कि उसमें क्या क्या दिया हो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक बात पता चल गई। नाउ कम टू सेक्शन फॉर्मूला। पहली एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट है। नाउ सेक्शन फॉर्मूला। अब बेटा मेरे पास जो गए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था इस टॉपिक में, हाँ जी, इसमें जब दो पॉइंट्स को एक पॉइंट इंटरनली बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, इंटरनली बाइसेक्ट करता है इन पर्टिकुलर रेशियो, सपोज एम रेशियो एन, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, डिवाइड करता है। मैंने ये नहीं कहा कि मिड में जाके डिवाइड, अगर मिड होता तो रेशियो तो बराबर हो जाती है ना। यहां पर कोई चीज बताई नहीं गई, किसी रेशियो में डिवाइड करता है, इट डजंट मींस कि वो इक्वली डिवाइड करता। वर्ड इक्वली डिवाइड होता तो हम सोचते, समझ आ गई मैडम। तो अब मेरे पास जो है यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या यूज करूंगी, देखिए मेरे पास सबसे पहले एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन ओवर एम प्लस एन, ओके। अब क्या बेटा यही सेक्शन फॉर्मूला मेरे पास मिड पॉइंट में चेंज हो जाता है। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स दिए, दिस इज मिड पॉइंट, फॉर्मूला एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, आप खुद सोचो अगर ये मिड पॉइंट में चेंज हो गया, दैट मींस रेशियो बराबर होगी, वन रेशियो वन, यानी जहां एम एन है वहां वन वन पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू वाई वन, ओके बेटा, क्या क्या अल्टीमेटली रेशियो कट जाती है, वन रेशियो वन ही हुई, थ्री रेशियो थ्री हो, रेशियो तो मतलब यू कैन डू डिवीजन, वो चाहे थाउजेंड रेशियो थाउजेंड हो, रहना बराबर ही है, ओके जी, क्लियर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, नो डाउट डिलीटेड है, बट हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कराते हैं कोलिनियर वाले क्वेश्चन के लिए, कैलकुलेशन उससे क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो लेट अस राइट द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल That is, अगर ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स या वर्टिसेस मेरे पास ये दिए हुए हैं, मैं बार बार कह रही हूं
अदरवाइज ये टॉपिक डिलीटेड है, बट इन ऑर्डर टू मेक अवर कैलकुलेशन इजी एंड जो है फास्टली, तो हम इसको कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट का रिपीट। आफ्टर देन व्हाट वी हैव टू डू, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस, ये एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स वन वाई थ्री। ओके जी, तो ये मेरे पास है। और मॉड होता है कि अगर नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। ओके बेटा, बस इस चैप्टर में हमारे पास एक सेंट्रोइड का फॉर्मूला है ना, वो भी कर लेते हैं ताकि फॉर्मूलेस पता होंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस डू द नेक्स्ट, मेरे पास जो है दैट इज, अगर तीन वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के सेंट्रोइड एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय जो है थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री, सेंट्रोइड का फॉर्मूला। और सेंट्रोइड होता क्या है? नो, डोंट से ट्रायंगल का सेंटर, वी आर ऑल मीडियन मीट्स। ओके, तो वो ही, और इसमें बहुत फर्क है। ट्रायंगल का सेंटर कहना दैट इज रॉन्ग बेटा, जहां पर सारे मीडियन, मतलब ये एक ट्रायंगल है, इसका मीडियन ये, इसका मीडियन ये, और इसका मीडियन ये, तो ये पॉइंट नो डाउट इट लाइज इन द सेंटर, बट 100% सेंटर के बीच में नहीं लाई करता। अच्छा, एक ट्रायंगल अगर ऐसे है, सपोज इसका सेंटर ये हुआ, ये हुआ, अब ये तो बेचारा उधर चला गया कहीं पे, गलत हो गया ना फिर आपका। तो सेंट्रोइड जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मीडियन क्या करते हैं, मीट करते हैं। और आपको हाँ जी, हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर मैंने अब सारे फॉर्मूलेस आपको बता दिए कि कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं। नाउ लेट अस डू फर्स्टली एग्जाम्पलर बुक में से, ठीक है, ताकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। एक न्यूज आ रही थी, उसमें क्लियर कट दे मेंशन कि आप लोग घबराइए मत, जो बच्चा एनसीईआरटी का एक एक कॉर्नर पढ़ लेता है तो क्वेश्चन जहां से मर्जी आ जाए, जो भी क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थ्योरी भी अच्छी तरह पढ़िए। मैं हाँ जी, दोनों। ओके जी, तो अभी जो है हम नेक्स्ट करते हैं, मेरे पास हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आंसर्स करते हैं फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक। फॉर दैट बेटा आई एम ओपनिंग द बुक, पेज नंबर जो है 77। हाँ जी बेटा, और एमसीक्यू स्टार्ट करने लगी हूं। फर्स्ट मेरा एमसीक्यू है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मेरे पास जो है दैट इज 5, तो बेटा उसने कहा है वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स इज, अब उसने कहा कि अगर मेरा जो है 2, -2 और
माइनस वन कॉमा एक्स से डिस्टेंस फाइव है, तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। हाँ जी, अंडर रूट लगाने की क्या जरूरत है, उधर 25 लगाओ। हाँ जी, मेरे पास माइनस वन माइनस टू स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर, हाँ जी माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी 25, एक्स स्क्वायर 4x 13, ये इधर आके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 12 इक्वल टू जीरो। अब 6 एंड 2, ठीक है जी, तो मेरे पास माइनस 12 आएगा। हाँ जी, एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 2, ऑरली फैक्टर बनाने की कोशिश करो, टाइम सेव करना है। x की वैल्यू माइनस 6 एंड 2, अब वन ऑफ द वैल्यू, बेटा यहां पर a की वैल्यू दी है, ऑप्शन दी हुई थी माइनस 2 2 माइनस 1 1, यानी 6 वाली तो दी नहीं, तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, b ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द, अब टर्न बाय टर्न आपकी टर्न आएगी। ओके, बी रेडी सो दैट आपको फॉर्मूला जो है वो पता चले, एग्जाम्पलर बुक में से करवा रही हूं बेटा। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, हाँ जी चलिए बेटा, पहले ऑफलाइन बच्चों की टर्न, चलो दीक्षांत, हाँ जी, हाउ टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट, मैंने फॉर्मूला बताया, नोट किया आज फॉर्मूला, बताइए देख के बताइए चाहे, अरे अब सेक्शन फॉर्मूले के आगे मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था, वेरी नाइस, क्या फायदा मेरा फॉर्मूला बताने का, कार्तिक यस बताइए बेटा, वेरी गुड, एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, हाँ जी नेक्स्ट, वेरी गुड, y1 प्लस y2 बाय 2, तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिए, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, हाँ जी बाय 2 और 8 माइनस 4 बाय 2 माइनस 4 एंड 2, मिड पॉइंट निकालना इन दोनों का, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, लर्न भी होना चाहिए बेटा, बैठिए। हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बेटा, द पॉइंट्स ए 90 बी 96 सी माइनस 96 डी माइनस 90 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस की ट्रेपेजियम, मैं आपको बताऊं अगर ये कभी एक्स 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 कोऑर्डिनेट सेम दी हो ना, बेटर है ड्रॉ करके देखो, उससे शायद जल्दी पता चल जाएगा हमें, है ना, तो इफ आई ड्रॉ है 0 10 20 30 माइनस 10 माइनस 20 10 20, हाँ जी ग्राफ पे क्यों, ग्राफ का थोड़ा मिलना आपको बेटा, रफ पे भी सही बनता है, अब हम करके देखते हैं ना, ठीक है 90 यहां पर 90 अगला 96 9 और 6 मेरे पास जो है ये रहा, नेक्स्ट माइनस 9 6 ये इसके बिल्कुल सामने आएगा और माइनस 9 0, अब क्लियर कट है, ये लेंथ 6 है ये लेंथ 9 है, सामने सामने 9 है 6 है, आया कि नहीं आया रेक्टेंगल, क्या टेंशन है इतना डिस्टेंस फॉर्मूला डायगोनल निकालने की, अगर फिगर टेढ़ी मेढ़ी होती तो करना ही पड़ता, इसीलिए रेक्टेंगल, इसीलिए मैंने आपको देखते ही बता दिया बेटा इधर 9 9 ये सारे सेम है, तो जब सेम हो
तो क्या करो, ड्रॉ करो, फिर सारा कुछ चेक करना ही पड़ना था। हाँ, इतना आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है लेंथ ज्यादा ब्रेथ कम है, तो बेटर है कि फिर डायगोनल ही चेक करो बस। ओके, क्लियर बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट। नाउ मूव टू वर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। मेरे पास जो है अब वन वन नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर कभी भी आपने किसी पॉइंट का, मान लो कोई एक्स वाई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस पे, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालना है, तो वो आएगा वाई कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट है एक्स, चलो इसी का ले लेती हूं, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस निकालना, तो एक्स है, उल्टा होता है। आपने नाइन्थ में किया हुआ है, बिल्कुल जी, है ना? इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, वो क्या है, 3 है। अच्छा, अगर मैं कहती डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट 3, तो वाई कोऑर्डिनेट 2। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट, रेयान गेट रेडी बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। हाँ जी बेटा, बताइए कितना डिस्टेंस है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? ओके, एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर, वाई टू माइनस वाई वन स्केयर। लगाइए जरा फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कीजिए, कौन कौन सी आएंगी बताइए जल्दी, देख लो, 6 - 0, वेरी गुड पुत्र जी, ये एक्स वन वाई वन है, दिस इज एक्स टू वाई टू, तो दिस माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो और माइनस टू माइनस, तो आंसर इज 8। आप देखो, आपको फॉर्मूले नहीं आते, पहले फॉर्मूला पता है तो अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो बेटा बेटा वहां तो स्पीड चाहिए ना एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूं। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास जो है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, बेटा बहुत इजी है, फ्रॉम ओरिजिन पूछा, मैंने कौन सा कुछ कह दिया, दो पॉइंट तो हो गए ना, तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना नहीं आता, डिस्टेंस फॉर्मूला तो सिंपल, जीरो में से कुछ माइनस भी करेंगे उतना ही रहना है, तो 6² + 8² 100 और आंसर इज 10 बेटा, क्या मुश्किल है इसमें, है कोई मुश्किल? चलो आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, कितनी बार क्वेश्चन आ गया, बताइए जल्दी, वैल्यूज पुट करके बताओ कितना आंसर आया जल्दी, (25 + 25) (5√2) पता चला कैसे आया? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक, लेट अस डू दिस क्वेश्चन।
हाँ जी, ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस, मुझे दिए हुए हैं, दैट इज ए 03 00, बी मेरे पास 50, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ए ओ बी सी रेक्टेंगल दिए, अगर ये रेक्टेंगल दिया है, अगर ये 3 यूनिट है तो ये भी क्या होगा, 3 यूनिट होगा, तो दैट मींस इसके वाई कोऑर्डिनेट तो 3 है और एक्स कोऑर्डिनेट 5। अब लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल सकती हो, रेक्टेंगल में वैसे भी लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल हो। अगर हमें ये नहीं भी दिया था तो टेंशन काहे की, हम इन दोनों से लगा देते, है ना, वो वैसे मैंने आपको बता दिया निकालना। कई बार ऐसे भी तो हो सकते हैं, फाइंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट ना, कोऑर्डिनेट या वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, कहा के नहीं। हाँ जी बिल्कुल जी, 00 लिखा। हाँ जी, उसके बाद मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 6 फ्रॉम द सेम टॉपिक, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मेरे पास ए 30, बी 70, सी 84। क्या करेंगे, पैरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों साइड्स को क्या करेंगे, यानी निकालिए जरा सारे बच्चे, ए बी नेल्थ, फिर बी सी, फिर सी ए। हाँ जी, चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट शो मी ऑन द स्क्रीन, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कैलकुलेट द आंसर, जल्दी शो मी ऑन योर स्क्रीन, जल्दी जल्दी सॉल्व करके। ओके, वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक नेक्स्ट टाइम।